सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपको मिल सके सबसे पहले। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हमें किसे और कैसे नेताओं को वोट करने चाहिए। मैं आपको किसी इंडिविजुअल पार्टी और लीडर को वोट देने के लिए नहीं कहूंगा, न ही मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि कौन सी पार्टी या फिर कौन से लीडर अच्छे हैं। मैं बस आपसे अपनी सोच शेयर करना चाहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि हम कैसे नेताओं को वोट करें। नॉर्मली आज भी हमारे देश में लोग जाति धर्म के आधार पर वोट करते हैं। उन्हें इस बात से उस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि ये नेता ठीक है या नहीं। वोट देने के टाइम हम जाति धर्म के आधार पर बटकर ऐसे नेताओं को चुन लेते हैं जो हमारे विकास में बाधा डालते हैं। वोट करने के टाइम तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिर प्रॉब्लम होती है जीतने के बाद, जब ये नेता हमारा काम नहीं करते। इसके जिम्मेदार हम खुद हैं, जो जाति धर्म के आधार पर अपने देश के विकास के कामों में अरंगा डालते हैं। ये नॉर्मली सी बातें हैं कि कई अच्छे नेता जीत नहीं पाते। जिसके पास काम करने की हिम्मत है या पढ़े लिखे ईमानदार हैं, कई बार ऐसे नेता जीत नहीं पाते क्योंकि ये जाति धर्म को बांटने में कामयाब नहीं हो पाते। कई बार अच्छे नेता इसलिए नहीं जीत पाते हैं क्योंकि इनकी पार्टी बरी नहीं होती या फिर वो किसी पार्टी से नहीं होते, तो इन वजहों से कई अच्छे लीडर हार जाते हैं। तो वोट करके हमें अच्छे लीडर को चुनने होंगे जो हमारे लिए काम करे। हम वोट ऐसे नेताओं को करें जो एजुकेटेड हो, ईमानदार हो, जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ हो, आपके हक के लिए लड़ाई लड़ता हो और सबसे इम्पोर्टेंट करप्शन क्राइम फ्री हो। ये मायने नहीं रखता कि वो नेशनल पार्टी से है या फिर निर्दलीय है, क्योंकि अगर ऐसे लोगों को हम चुन नहीं पाएंगे तो ये हमारे विकास के लिए अच्छा नहीं होगा। सोचिए अगर हम वोट करते समय इन बातों का ख्याल रखते तो क्या आज हमारे देश के 60% से ज्यादा नेता करप्ट होते। और ये कोई नई बात नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि ये बात आज हमें पता चला है। ये बातें हमें वोट करते समय भी पता होता है, लेकिन हम जाति धर्म के आधार पर बटकर उन लोगों को चुन लेते हैं जो हमारे नेता बनने लायक नहीं होते हैं। तो अब कुछ ही महीनों बाद पूरे देश में चुनाव का दौर शुरू होने वाला है, तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप अच्छे नेता को चुनें, न कि उसके पार्टी या उसके रुतबे को देखकर वोट करें। आप उसे चुने जो आपके लिए काम कर सके, भले ही वो निर्दलीय ही क्यों ना हो। आशा करता हूँ कि हम अब की बार जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट करेंगे और अच्छे नेताओं को चुनेंगे। धन्यवाद।